नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लेन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एलजेब्रा में लगातार क्लासें जारी रख रहे हैं और अभी तक हमारी 5 क्लासें जो है एलजेब्रा में हो चुकी हैं। आज हम अपनी 6ठी क्लास के रूप में जो है आपके सामने जो है सम्मुख हुए हैं। ठीक है, आज 6ठी क्लास है। कल थोड़ा क्वेश्चन के नंबर को लेकर थोड़ा इशू हो गया था, जिसमें कल हमने शुरू किया था 46 से, जबकि वो क्वेश्चन जो थे वो 59 से शुरू होने थे। यानी कल के अगर 15 क्वेश्चन को भी हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो कल का लास्ट क्वेश्चन जो था, हमारा 60वां प्रश्न जो हमने दिया था, वह 60वां प्रश्न ना देकर वो 73वां प्रश्न था हमारा, जो हमने होमवर्क के लिए दिया था आपको, यानी कि घर के लिए जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था, और उसका वह क्वेश्चन जो था वो ये था। चलिए, आप अपना उसे 73 देखना, सारी क्लासों में देख कर अपने आप नंबरिंग कर लेना आप उसमें। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारे होमवर्क के लिए, तो आज हम इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें काम कर लेते हैं। क्या होता है, देखिए फिलहाल में आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है, आप ये समझिए कि x प्लस के 4 और 1/x + 4 और बराबर कितना दिया है, 119, इतना ही सवाल दिया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, तो पहले ये भी देखना हो चाहिए कि हमको मालूम क्या करना है। तो ये फॉर्मूला बन गया a - b² ए की वैल्यू यहाँ पर 2x और बी की वैल्यू यहाँ पर 3, तो हम लिख सकते हैं 4 कितना आ जाएगा, 4x² + 9 और -2x × 3 ये बनेगा। अब हम यहाँ करने वाले हैं इसको क्या कि 4x² - 12x + 9, इतनी बात आ गई समझ में, इतना कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूँ तो हमारा क्या बचेगा, x² और माइनस के 3x और प्लस के 9 बचे, इतना कर लिया। अब हमें इसी रूप में ढालना है इस क्वेश्चन को, अब क्या करेंगे, पहले घटते क्रम में आए, तो कितना आ जाएगा, x² + 1/x² करनी, घटते क्रम में आते हैं तो बता दिया था हमने अब तक की क्लासों में, 119 और जो चिन्ह लगा हुआ वही लगा दो। इस टाइम कितना आ गया इसका, 11, कितना आ चुका है, 11। फिर अगर घटते क्रम में आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं x + 1/x। ठीक है, आ रही बात समझ में, हम इतना करें बताइए तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर प्लस करें, मगर यहाँ चाहिए माइनस, तो इसका मतलब है हम यहाँ प्लस ना करके क्या करेंगे, माइनस, और √(11) है और माइनस कितना करेंगे, 2। अब 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9, और 9 किसने का होता है, 3 का, इतना आ चुका है। इससे आगे की जो कहानी है वो क्या है, हम इसे सही कर लेते हैं, x² - 1 अब बराबर 3x, इतनी बात आ गई समझ में। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं इसको तो x² - 3x = +1, इतनी बात आप बताइए, आगे समझ में आपको नहीं आ गई इतनी। अब यहाँ पर 4 तो ये लिखा गया, इस पूरे का मान कितना है, 1, और प्लस कितना है, 9, तो 4 × 4 और 9, यहाँ से कितना आ गया हमारा, आंसर बन गया बेटा 13। ये जो था हमारा कल का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमने कल आपको घर से करने के लिए दिया था, ये वही क्वेश्चन है जिसे हमने आप सॉल्व किया। इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ओपन कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत या परेशानी ना आए, तो आप इसको नोट कर लो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा 74वां प्रश्न है अब तक के एलजेब्रा का, और हमारे सेशन का आज का दूसरा प्रश्न बनेगा। तो 8x यानी कि 74वां प्रश्न है आपका, x^8 - 1442 x^4 ठीक, +1 = 0 हो तो, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे x - 1/x ये पूछा गया है, आप इसे करिए, देखिए क्या आने वाला है आंसर, जल्दी से बताइए क्या आने वाला क्वेश्चन। करिए इसको जल्दी, बताओ
हो रहा नहीं हो रहा, हो जाएगा। मिला आंसर या नहीं मिला? आया। क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ x की पावर 4 0 है, यहाँ x की पावर 8 है, दोनों पक्षों में कितने भाग कर दें? 4 से। तो यहाँ पर x की पावर 4 बचेगा, यहाँ प्लस 1 अपॉन x की पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1442। हमें लाना माइनस में, तो पहले घटते क्रम में आए, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर करनी 40 42 और प्लस के 2, कितना आया? 1444। किसी का होता है 1444 किसका होता है? देखिए 3 3 9 9 तो हो गया, और 2 2 4 32, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है? 2 का जोड़ा बना लो इसमें, तो यहाँ पर 4 जो होता है वो 8 के भी होता है, शायद 38 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? आई थिंक एक बार 38 का देख रहे थे बनाकर, तो 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 3 24, 8 3 24 और 24 2 48, 48 6 56, हाथ से लगे 5, 3 3 9 5 14, कितने का होता? 38 का। तो यहाँ पर हम जो कर सकते हैं वो कितना लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं हम 38। अब हम यहाँ से माइनस मारें, तो हम माइनस में निकालेंगे, तो इसका कितना आया? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, करनी में किसे लिखेंगे? 38 को। जो माइनस का साइन लगा होता वही लगाएंगे साइन इसमें, और कितना लेस करेंगे? 2। 38 - 2 कितना होता? 36। आंसर कितना आ गया? 6 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया सवाल आपका। बताओ अब इसमें क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है भाई। चलिए आप इसे करिए आराम से, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 75वां क्वेश्चन आपके सामने है, और बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, यानी कि इसे BBIP कर लीजिए 75वें को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। x प्लस के, क्या भैया? x प्लस के 1/x + 7 और बराबर 0 है, बराबर 0 हो तो पूछा है हमसे x माइनस 1/x + 7, ये पूछा है क्वेश्चन हमसे, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है भाई, बताइए। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को सही से। क्या बनेगा? अब दोनों पक्षों में अगर मैं 7 जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा? प्लस वाला तो आ ही जाएगा, ये प्लस वाला आ ही जाएगा, ऊपर भी प्लस है, ठीक है। देखिए पहले क्या करना हमें, लॉजिक अपनाओ क्या है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ भी 7 जोड़ दूँ और यहाँ भी 7 जोड़ दूँ, मेरा क्या बनेगा? एक्स प्लस के 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 7, अब बराबर कितना? 7 हो गया इतना। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, अगर मैं अब इसका क्या करना चाह रहा हूँ? स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं अब इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई? 7, या ऐसा मान लो इसको मैं 7x को जो मान लेता हूँ वो x बाई मान लेता हूँ, x प्लस के 7 को मैं क्या मान लेता हूँ? बाई। तो 1/x + 7 को मैं क्या मान सकता हूँ? 1/2, हाँ या ना? मान सकता हूँ, नहीं मान सकता? अभी देखो क्या करना है हमें, सिंपल देखना आ रहा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ बाई और 1/2 बराबर कितना? 7। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ या इसके
लेके जाऊँ करनी में, इधर अगर मैं इधर करनी में ले जाऊँ तो तुम्हें पता है इसका एक लॉजिक होता है, इसका एक लॉजिक होता है, वो मैं लॉजिक बताने वाला हूँ आपको क्या है, क्या हो गया लॉजिक इसमें, देखिए क्या। जब हमारे पास एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर के दिया हो और हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना हो तो के स्क्वायर माइनस फोर ये करना होता नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के दे रखा हो और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर निकालना हो तो के स्क्वायर प्लस के फोर ये करना होता। तो अब बताइए हमारे पास संख्या बनकर आ गई है, ये बनकर आ गई संख्या, हमें माइनस में लेकर जानी है तो हम क्या करेंगे इसको बाई माइनस वन बटे बाई करनी सात सत्ते उनचास और माइनस के सात कितना आ गया, कितना आया बयालीस, कितना आया यहाँ से बयालीस आया, माइनस वाला दे रखा प्लस वाला दे रखा माइनस वाला बनाना ठीक है, तो कितना आ गया अब यहाँ से बयालीस आ गया, ये सात जब घटेंगे तो कितना आ जाएगा बयालीस, तो चार चार घटते सात नहीं घटते चार, तो कितना आया पैंतालीस, और पैंतालीस को आप सब जानते हैं तीन रूट पाँच ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तीन रूट पाँच हम इसको लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि तीन रूट पाँच किसका आया मान, ये तीन रूट पाँच आया एक्स प्लस के साथ माइनस वन बटे एक्स प्लस सात का, सॉरी इसका ही तो आया है ये कितना तीन रूट पाँच ये आया है। अगर मैं दोनों पक्षों में सात घटा दूँ, दोनों पक्षों में अगर सात घटा दूँ तो ये प्लस वाला सात है और यहाँ घटाऊंगा माइनस का तो माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे दोनों पक्षों में से क्या करना है सात घटाना है तो यहाँ भी सात घटा दूंगा तो क्या बच का आगा, ये जो दे रखा यही बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस के साथ यही बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया तीन रूट पाँच माइनस के साथ, बस जी हो गया सवाल, ये चाहिए था, इतना सिंपल सवाल था ठीक है, ये सवाल था भाई क्लियर। अब एक क्वेश्चन मुझे आप ऐसे करके दिखाओ, एक क्वेश्चन आपको मैं फिर दे रहा हूँ, छिहत्तरवा प्रश्न है जो हमारा प्रश्न है वो कितना है छिहत्तरवा प्रश्न है। अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस के ग्यारह बराबर जीरो हो तो, ग्यारह बराबर जीरो हो तो, अच्छा प्लस में नहीं है बेटा माइनस में, आपके यहाँ पर ये माइनस में है हो तो हमें पूछा है x प्लस, हमें आपका पूछा है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस के 11, हमें ये बात पता ना, आप इसे करिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज करिए आप देखिए क्या करना है ठीक है, करो इसको फुर्ती से करो। ठीक है भाई सीधे शब्दों में दोनों तरफ 11 जोड़ दो, दोनों तरफ कितना जोड़ दें 11, यहाँ भी 11 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा x प्लस के 11 है माइनस वन बटे एक्स प्लस के 11। अब x x के मान बराबर हो गए, बराबर कितना आ गया 11 है, सबको पता है अगर साइन चेंज करना हो और संख्या ही रखनी हो तो क्या करेंगे x प्लस के 11 है और प्लस वन बटे एक्स प्लस के 11 है तो क्या करना k का स्क्वायर यानी कि 121 और आपके प्लस का निकालना तो प्लस कितना जोड़ना 4 125 कितने का होता 5 रूट 5 पाँच पंजे 25 पंजे 125 कितने का आ गया 5 रूट 5 आ गया, ये तो इसका मान आया है। अगर मैं इसमें से 5 11 घटाऊंगा, 11 घटाऊंगा जब ही तो ये प्राप्त होगा 11 घटाऊंगा तो अब इस पक्ष में से भी 11 घटा दो और इस पक्ष में से भी 11 घटा दो तो क्या बचेगा x प्लस के वन अपॉन एक्स प्लस के 11 और बराबर 5 रूट 5 माइनस 11 यही हमारा क्या है आंसर, हो गया सवाल, यही जो है हमारा क्या है आंसर। देखो भाई यहाँ पर जब हमको निकालना है डायरेक्ट जीरो है, अगर यहाँ कोई संख्या लिखते हो डायरेक्ट कर लेते माइनस माइनस वाले को हम कवर, तो हमें करना है यहाँ पर 11 जोड़ दो
यहाँ पर क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस के 11 हो जाएगा, माइनस साइन है, इसमें तो जुड़ना नहीं है, बराबर में जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, जीरो में 11 जोड़ोगे तो 11 आ गया। अब यहाँ से हमें इसी ढंग में निकालना प्लस का, और जब हम साइन चेंज करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एक्स माइनस वन अपोन एक्स बराबर अगर के है और हमें एक्स प्लस वन अपोन एक्स निकालना होता तो क्या करना होता, के का स्क्वायर और प्लस के 4, ये तो होता है प्लस वाले में। अगर माइनस वाला हो कि एक्स प्लस के वन अपोन एक्स बराबर के दे रखा है और हमें निकालना एक्स माइनस वन अपोन एक्स, तो क्या करना होता, के का स्क्वायर माइनस के होल, ये करना होता है। तो हमें यही तो करना है, माइनस से प्लस लाना है, तो हम के का स्क्वायर करेंगे 121, प्लस 4 कर देंगे, कितना हो गया 125, कितना आ गया ये, तो ये तो इसका मान आया हमें चाहिए इसका, एक्स प्लस वन अपोन एक्स प्लस 11 करना है, तो जैसा हम इसको घटाएंगे 11 तो ये वाला बन का आ जाएगा हमारा, तो इसमें से भी 11 घटाना पड़ेगा। ये था हमारा आंसर, ये हमारा आंसर था। लेकिन यदि ए बराबर 1/5 ए, आपका क्या है 76 का क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 1/(a-5) हो तो, a बराबर 1/(a-5) हो तो, फिर उन्होंने दे रखा है a रूढ़ी, यानी कि a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, तब आपको बताना है a प्लस 1/a बराबर क्या, करो इसको, बनाइए क्वेश्चन, बनाइए बनाइए, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाइए भैया। हो गया, बताइए हुआ या नहीं, अरे भाई कुछ नहीं करना, देखो कैची गुणा कर लो, एक ही जब गुणा होगी तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, a और a माइनस के 5 ऐसा लिख सकते हैं बराबर 1, हाँ या ना, ये a इसके बटे में आ जाएगा, तो a माइनस 5 और बटे 1/a आ गया, ध्यान दो। अब यहाँ पर a ये माइनस का आ जाएगा 1/a, अब बराबर प्लस का हो जाएगा 5, ये आ गया, क्या निकालना, सबको पता है जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो करनी, k का स्क्वायर, प्लस में जा रहे हैं तो प्लस का 4, ठीक है, 5, 5 पंजे 25 और प्लस 4 कितना आया, और 29, किसी का होता ही नहीं, किसी का होता ही नहीं, ठीक है, किसी का होता ही नहीं है, बनाओ इसे, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है भाई, हो गया, बताओ, चलिए 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ये बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है 78वां, a प्लस b बटे में रूट ए बी, 78वां क्वेश्चन है a प्लस बी बटे में रूट ए बी बराबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 10√3 हो तो, 10√3 हो तो, फिर पूछा है a माइनस b और बटे ए बी रूट में, यहाँ करना है, तो पता तो चल ही गया होगा आपको क्या करना है, करिए जल्दी इसको, बनाओ जल्दी क्वेश्चन, इसको फुर्ती से बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना ये देख लीजिए बस, क्या करना है क्या नहीं करना जल्दी बनाओ, ठीक है। अरे यार इतना हल्का प्रश्न है, आपको आंसर आना ही चाहिए, ऐसा चक्कर में पड़ गए होगे तुम कि ये क्या निकालना क्या है, क्योंकि रूट वाले जो सवाल चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब सीजीएल के चल रहे हैं क्वेश्चन, आपको सब सीजीएल के एसएससी से बिलोंग है सारे,
MTS आपका CHSL सब उसके ही हैं। आगे आंसर ये नहीं आ रहा समझ में कुछ, देखो कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं घबराने इसमें यार, घबराने की क्या बात है इसमें ये बताओ। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है, रूल तो वही बनना है, प्लस माइनस है। मन निर्धारित यह है कि करना कैसे है, निर्धारित यह है कि करना कैसे है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसका कर दूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर दूँ तो बताओ, डायरेक्ट आंसर कर दूँ इसका मैं, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो करने में करेंगे के का स्क्वायर और प्लस के सॉरी माइनस के चार, हाँ या ना। ये दस रूट दो है भाई, यहाँ सॉरी तीन नहीं है, दस रूट दो है, बताओ ये है दो। अब बताओ डायरेक्ट कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस का साइन है, सेम यही कंडीशन है। तो हमारा क्या होता है, प्लस से माइनस जाना होता है, तो क्या करते हैं हम इसको, के का मान कितना, दस रूट दो का स्क्वायर और माइनस के चार। अब आप बताओ दस रूट दो का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, सौ ढाई दो सौ। अब रूट में आपका आ गया 200 और माइनस चार कितने का हो गया, छियानवे, और छियानवे कितने का होता है, चौदह का। आइए सवाल, तो प्लस माइनस करना कोई काम नहीं, धाम नहीं कुछ भी, ठीक है। अगर हम इसे बिल्कुल चाहें, कक्षा पाँच में हैं हम, कक्षा छः में, और हमें चाहिए अंक, कक्षा छः में हैं और हमें चाहिए अंक कि साहब अंक किस तरीके से मिलेंगे हमें इसमें, तो देखिए अंक मिलने का मतलब क्या है कि जब मैं आपको ए को रूट ए बी से भाग करूँगा तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए बटे रूट ए बी प्लस बी बटे रूट ए बी बराबर दस रूट दो। मैं ए को लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, मैं बी इसे लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट बी प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ बी रूट इंटू बी रूट, यहाँ पर ए रूट इंटू रूट बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा ए बटे बी का रूट, और क्या बचा यहाँ से प्लस, तो बी रूट और बटे ए, यही तो बचा। यहाँ भी यही कंडीशन आ गई, ये क्या होगी, इसे मैं एक्स मान लूँ, इसे वन बटे एक्स मान लो, देखो ये इधर पहुँच रहा है, चिन्ह चेंज हो रहे हैं ना, तो इसे एक्स मान लो, इसे वन बटे एक्स मान लेता हूँ, ऐसे इधर निकालना क्या है, एक्स माइनस वन बटे एक्स निकालना, तो कंडीशन वही बन गई ना, बन गई कंडीशन, बन गई नहीं बन गई, तो इतना सवाल सोचना नहीं है, अगर इतना सोचोगे तो लंका लग जाएगी वहाँ, तो तुम्हारी वहाँ क्या करोगे फिर, एग्ज़ाम में क्या करोगे वहाँ बैठ कर, एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं होने का इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन, कितने हो चुके हैं, 78 हो गए हैं। अब हम 79वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कि क्या क्वेश्चन है। ऐसा ना अलजेब्रा तो दो क्लासों में ख़त्म हो जाता, मगर इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहाँ से करें, और वो भी सारे क्वेश्चन वो जो अब तक परीक्षाओं में आ रखे हैं, जैसे CRP में भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन है तीन माइनस बटे, यहाँ 79 क्वेश्चन है आपका, तीन एक्स माइनस वन बटे चार एक्स बराबर, ये दे रखा छः हो, तो पूछा है चार एक्स प्लस के वन बटे तीन एक्स, अभी से बनाओ। अब किसी और चीज़ के चक्कर में पड़ जाना इसमें, कभी सोचो सीधा माइनस प्लस दिख रहा, कुछ और भी तो है देख लो, करो 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 करो, इसको जल्दी करो। पहले बनाओ इसको इस पदों में, ध्यान दो भाई, जब तक हमारे पास चार एक्स माइनस वन बटे तीन एक्स नहीं होगा, जब तक हम प्लस का नहीं निकाल सकते, ये सब मानते हो आप लोग। चलो तो हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा करें, चार बटे तीन से गुणा कर दूं ना, चार बटे तीन, तो तीन से तीन कट जाएगा, बचेगा कितना चार एक्स, माइनस चार से चार कट जाएगा, बचेगा कितना तीन एक्स, बराबर कितना बचा आठ बचा, बच गया। हाँ भाई, हाँ या ना, इतना आ गया।
अब आपको पता है कि माइनस यहाँ साइन लगा हुआ, प्लस यहाँ लगा हुआ, क्या करें क्या करें, करनी के यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बनाना, तो प्लस के 4, मगर हमने गुणा कितने से करी है 4 बटे, तो हमें यहाँ पर 4/3 भी लिखना पड़ेगा, जैसे गुणा करते हैं उसे भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ 4/3, तो 64 प्लस 16/3। अब देखो 64 दिया, 6 3 18, 4 3 192, कितना 192 और 16 208, सॉरी यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, 9 सॉरी 3 है ना, यहाँ 4/3 था, हाँ 4/3 लिखना, तो 16/3। अब बताओ कितना आया, कितना बना, 208 बच गया ना, बन गया ना भाई 208 और बटे 3 पकड़नी, 208 के फैक्टर कर लो, 208 के फैक्टर, अरे 2 × 2 ये 4 × 4 में तोड़ लो, चलो 4 × 4 × 13 है, ठीक है, और नीचे कितना √3 क्या, देखो 13 × 52 52 × 208, ठीक है, तो 4 में से 2 बाहर ले लो, एक 4 बाहर ले लो 4, तो 13/√3 आपका आंसर है, 4/√13/3 आपका आंसर, तो इसका आंसर कितना आया 4√13/3, तो यही हमारा क्या बना आंसर बना, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है भाई, और कुछ करना नहीं है इसमें, सवाल में ज़्यादा झोल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झोल की ज़रूरत करोगे तो फिर गड़बड़ में फंस जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ में फंस जाओगे, कर लो इसको सही तरीके से, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 80वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा हो सकता है 80वां क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन है आपके सब बढ़िया वाले क्वेश्चन है, कोई हल्का भारी का हमारा जिक्र है नहीं, आपको तो बस केवल करना है, आप सीख गए हो आप, तो हमें यहाँ क्वेश्चन है 2x² माइनस 4√10 इंटू का पॉइंट है x प्लस के साथ और बराबर 0 हो तो 2/7 x माइनस 1/x बनाओ, जल्दी बनाओ इसे, क्या बनेगा बनाओ जल्दी जल्दी, कुछ लग रहा है घबरा गए हैं, घबरा गए, क्वेश्चन भारी देख के इतना बड़ा क्वेश्चन कहता होगा, अरे कोई बड़ा तो रहेगा क्वेश्चन, ये लॉजिक ढूंढो, लॉजिक माइनस का साइन लग रहा है कब आएगा, जब तक प्लस का ना आएगा, जब तक प्लस का नहीं आएगा, और प्लस का साथ यहाँ लिख रहा है, प्लस का साथ यहाँ लग रहा है माइनस है, कुछ तो है नहीं, कुछ है दया कुछ करो है, आ रहा है दया वाला केस याद, तो क्या करना, देखो दोनों पहले तो हमें बात ये कि 2/7 में बनाना हमें, अरे पहले 2/7 बन जाना चाहिए हमारा, तो हम दोनों पक्षों में 7 से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में कितने भाग कर देते हैं 7 से, या 7x से कर दें, 7x से कर देते हैं, देखो इसे भी 7x, इस पूरे को कितने से 7x, हाँ या ना, अब यहाँ देखो जब इससे कटेगा x तो बचेगा कितना x, तो 2x/7 या 2/7x बचेगा, माइनस कितना बचेगा 4√10/7 बचेगा, 4√10/7 क्योंकि ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा ना, समझ गए नहीं, फिर प्लस कितना बचेगा 7/7x, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
एक बटा सात बचेगा और इधर क्या है जीरो। तो अब आप मुझे बताइए दो एक दो बटे सात एक्स प्लस वन बटे एक्स आ गया, अब बराबर कितना आ गया चार बटे दस सात, खेल खत्म आ गया। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, और तुमको सबको पता है जब माइनस प्लस करते हैं तो क्या करते हैं करनी, और चार दस बटे सात का स्क्वायर और माइनस के फोर, क्या माइनस के फोर करेंगे कुछ और भी करेंगे, दो बटे सात भी तो करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे दो बटे सात, ये भी तो करना है। तो सोलह एक सौ साठ बटे उनचास खड़नी मैंने ये तो आ गया आठ बटे सात, ठीक एलसीएम कितना आ गया उनचास, सात की सात बार सात अठे छप्पन घटाओ कितना बचा एक सौ चार, तो आंसर कितना आ गया जल्दी बताओ एक सौ चार रूट में और बटे सात, एक सौ चार रूट क्या लिख सकते तेरह चौका बावन और बावन धुनी एक सौ चार, क्या लिख सकते हैं दो रूट तेरह, तो आप इसे चाहो तो दो रूट तेरह बटे सात लिख सकते हो, और ना लिख रहे तो ऐसे लिख दो रूट एक सौ चार बटे सात, क्लियर बताओ था बढ़िया सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, ऐसा नहीं लग रहा तो कोई जैसे कि मतलब शुरू में देख के एग्जाम में आदमी घबरा जाएगा, और बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि क्या करा क्या हुआ, समझ गए। चलो कोई नहीं इक्यासी का क्वेश्चन देखो अब, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इक्यासी का क्वेश्चन है आपका दो एक्स, इक्यासी बराबर क्वेश्चन है दो एक्स माइनस पाँच बटे नौ एक्स, पाँच बटे नौ एक्स बराबर आपका दे रखा तीन, बराबर तीन हो तो हमारा दे रखा है छत्तीस एक्स स्क्वायर, छत्तीस एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस बटे आपका नौ एक्स स्क्वायर। अब ये करना है आप इसे कर दो फुर्ती से करो इसे बनाओ इसे फुर्ती से। बनाओ इसे। मैं लाल मार्कर को ना काले में कन्वर्ट कर लिया, हाँ हुआ तो धोखे से ही था मगर कर मैंने ब्लैक में ही दिया इसको कन्वर्ट, बहुत लाल रंग तीखा तीखा लग रहा था ये। आ रहा कुछ आंसर या नहीं आ रहा, अरे घबराना नहीं है भाई ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे सीधे सीधे, तो आप तो फिर लंका लग जाएगी तुम्हारी तो यहाँ से, ठीक है। पहले तो तुम मुझे बताओ ये क्या है, ये छः एक्स होगा क्या है, ये है छः एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटे तीन एक्स का स्क्वायर, यही तो है, ये है या नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, ये एक बार जोड़ दो यानी कि छः एक्स प्लस के पाँच बटे तीन एक्स और इंटू छः एक्स माइनस के पाँच बटे तीन एक्स, यही तो बन गया। अगर हमने इनका मान निकाल कर दोनों ही गुणा कर दी, इसका मान निकाल कर दोनों ही गुणा कर दी हमने तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो पहले तो हमें बनाना छः के पदों में से, तो दोनों पक्षों में कितने गुणा कर दें तीन से गुणा कर दो तो कितना आ गया छः एक्स माइनस पाँच बटे तीन एक्स अब बराबर नौ आ गया, ठीक है। तब इसका मान अगर नौ आ गया तो सीधी बात है इसका मान ग्यारह आ जाएगा, इसका मान ग्यारह आ जाएगा, ग्यारह में निन्यानवे तो आंसर कितना आ गया निन्यानवे आ गया, कितना आया बताओ आ गया निन्यानवे, कैसा आया। अब तुम यही सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया, अरे यार एक बार बताओ छः एक्स प्लस के वन अपोन तीन मतलब पाँच अपोन एक्स करेंगे हम
पाँच अपॉन एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, करनी नौ का वर्ग, नौ का वर्ग 81 और प्लस के 4 और गुणा का 3, 3 तक गुणा भी तो करी थी और फिर कितना गुणा में कितना कितना 6 थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, 4 गुणा में कितना 6 5/3, ये भी तो आगा, तो 3 × 6 तो 9 × 81 8 × 5 = 40 कितना आ गया 121 और 121 कितने का होता 11 का होता, मिल गया 11 और 11 × 99। ये काम याद रखना है, जब इसका मान 9 आया तो इसका 9 आया तो इसका कितना होगा 11 और नहीं भी होगा तो देख लो 11 9 से जौन सा भी विकल्प कट रहा हो, जौन सा विकल्प कट रहा हो वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें इन्होंने विकल्प दे रखे, पहला विकल्प है 119, पहला विकल्प दे रखा है 119, क्या 119 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। दूसरा दे रखा है 123, दूसरा दे रखा है 123, कटेगा नहीं। तीसरा विकल्प जो दे रखा है इन्होंने, तीसरा विकल्प 101, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। चौथा विकल्प जो है इन्होंने 99 दे रखा, तो कौन सा कट गया, एक वाला कट गया आंसर। तो हम विकल्प से भी उठा सकते हैं सवाल को, समझ गए नहीं, हम विकल्प से उठा सकते हैं। चलिए 82वां क्वेश्चन देखेंगे, 82वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 82वां क्वेश्चन आपका है भैया 4x² अगर हम यहाँ से करें, अच्छा ठीक 82वां क्वेश्चन जो है आपका है x² -22x कौन सा क्वेश्चन था ये 82वां, तो आपका आया x² - 22x और फिर आपका यहाँ पर है प्लस 111 अब बराबर 0 हो तो हमें चाहिए x-8 का स्क्वायर माइनस 1/x-8 का स्क्वायर बराबर रखिए, बनाओ इसे, बनाओ इसको, क्या करना है, बनाओ जल्दी, क्या बन सकता है, ठीक है जल्दी, बता दो क्या बनेगा, क्या है ये a² - b² है ना, क्या चाहिए हमें सबसे पहले x-8 प्लस 1/x-8 यही चाहिए ना हमें, एक तो ये चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए x-8 माइनस 1/x-8 ये अगर मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात हमें x बनाना है, कैसे बनाना 8 में, अगर मैं इस 22 के फैक्टर कर लूँ, 22 के फैक्टर कर लूँ 8x-14x, मैं इसे लिख दूँ कि x² - 8x-14x बराबर कितना 112, दोनों तरफ एक जोड़कर तो कितना आ जाएगा 112, एक आ गया इसका, कर सकते हैं हमें तो 8 के पदों में निकालना है ना, तो हमें साम दाम दंड भेद सबसे प्रयोग करना, ये आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पर x कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा x-8 माइनस के 14 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस का 14 कॉमन लूँगा तो x-8 बचेगा नहीं बचेगा, अब बराबर कितना 1, समझ गए इतनी बात। अगर मैं लिखूँ x-8 एक तो फैक्टर आ गया ये वाला गुणनखंड इंटू x-14 अब बराबर 1, आ गया नहीं आ गया, हाँ या ना, तो अब ये देखिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को घटा के लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ x-8 और -6 14 वाले को लिख सकता हूँ, अभी भी 14 हो जाएगा ना, बराबर 1/x-8। अब तुम बता दो मुझे कि कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, नहीं है, हाँ या ना, ठीक, ये माइनस हो जाएगा x-8
माइनस वन बटे एक्स माइनस आठ बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब इसका अगर ये आ गया है तो प्लस वाला क्या आ जाएगा, मैं इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 6 आ गया, प्लस वाले का मान आ जाएगा 2√10, क्योंकि 6×6=36 और 36 में जुड़ेंगे 4, 36 और 4 जुड़ेंगे हो जाएगा 40, और 40 के गुणनखंड करेंगे 2×2=4×10, समझ गए, नहीं तो इसका कितना आ जाएगा 2√10 गुणा कर दो कितना आ गया 12√10, कितना आ गया 12√10, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल को इतना करना था, समझ गए, समझ रहे हो ना है? अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है, नोट करो इसे पहले। ठीक है भाई, चलिए 82 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी हमारे, कितने हो चुके हैं 82, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है। यह है आपका x प्लस के 15 83 क्वेश्चन, यह है x प्लस के 15 प्लस 1/x प्लस के 15, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 बराबर दे रखा 9, हो तो x की पावर 45 और प्लस 1/x की पावर 45, ठीक है, ये निकालना है, ये आपका है HW, ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना। मैं आपको विकल्प दे देता हूँ, पहला विकल्प है इसका 681, दूसरा विकल्प है 702, तीसरा विकल्प है आपका 714, तीसरा विकल्प आपका 714 और चौथा विकल्प आपका 729। इनमें से आपको करना है, ये क्वेश्चन आपका हो गए हैं, ठीक है, कल करते हैं इससे अगले क्वेश्चन जो है आपके, एक दो क्लास और लगने वाली है, फिर आप टेंशन मत लो, आपका अलजेब्रा हो जाएगा आपके कब्जे में, ठीक है। तो अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और प्लेलिस्ट पर जाओ और प्लेलिस्ट ही पूरी शेयर कर दो मैथ के, तो क्योंकि इतना बढ़िया प्लेलिस्ट में डाटा दे रखा, सारे सटीक बिल्कुल आपको चैप्टर कराए हैं वहाँ पर। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल दिक्कत परेशानी को सुना जाएगा। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, इसी में जो आगे क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है, मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।